नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में कनेक्ट स्ट्रेट में। दोस्तों, 23 अगस्त 2023 ये तारीख दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तारीख बन गई, क्योंकि हमारे चंद्रयान ने सक्सेसफुली लैंड किया कल, हम सबने देखा। और भारत पहला ऐसा देश बना है जो साउथ पोल पर चंद्रयान के माध्यम से पहुंचा है चांद के ऊपर, और दुनिया देखती रह गई। दुनिया को हमने बता दिया कि भारत भी कम नहीं है, किसी से पीछे नहीं है। और जो लोग हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स के ऊपर हमेशा सवाल उठाते थे, उनको हमने एक करारा जवाब दिया है कि हमारा दम देखिए। तो हमने इतिहास तो रचा है, और ऐसा कहा जाता है कि इतिहास हमेशा कलम के माध्यम से नहीं लिखा जाता, हौसलों के माध्यम से लिखा जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और हमारी हार नहीं, हमारी जीत हुई है। पहली बार ऐसा एक देश भारत जो साउथ पोल पर पहुंचा है, तो ये कामयाबी आसान नहीं थी। इसके पीछे कड़ी मेहनत है लोगों की, कई सारे लोगों की, इसके पीछे बहुत सारे सक्सेस मंत्र हम ढूंढते हैं तो मिलते भी हैं, जो हमको ज़रूर सीखने चाहिए। जो जनरेशन जो आज हमारे सामने है, छोटी छोटी बात के लिए नाराज़ हो जाती है, निराश हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, तो उनको ये ज़रूर सुनना चाहिए आज का हमारा ये वीडियो, जिसके द्वारा हम ये बताना चाहते हैं कि क्या सीखते हैं चंद्रयान मिशन से। लेकिन उसके पहले हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहते हैं। वो कौन सी? क्या आपको पता है चंद्रयान ये नाम कैसे मिला? तो चलिए हम बताते हैं इस चंद्रयान ये नाम कैसे पड़ा। तो थोड़ा पीछे जाते हैं, 1999 की सरकार ने इस लूनर मिशन को अप्रूवल दे दिया। तब लूनर मिशन का नाम डिसाइड किया गया था सोमयान। जब ये बात तब के जो प्रधानमंत्री थे, हमारे जो कवि हृदय के अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको पता चला कि सोमयान ये नाम दिया गया है, तो उनको ऐसा लगा कि नहीं, इसका नाम कुछ अलग होना चाहिए, और उन्होंने ही ये नाम सजेस्ट किया चंद्रयान। तो चंद्रयान नाम तय हो गया। सोमयान ये जब डिसाइड किया गया था, तो उसके पीछे जो मीनिंग था वो ये था, ओ मून, वी शुड बी एबल टू नो यू थ्रू अवर इंटेलेक्ट, यू एनलाइटन अस थ्रू राइट पाथ। तो सोमयान से चला चंद्रयान बना, और फिर वाजपेयी जी ने ये कहा था कि ये जो मिशन है दैट विल मेक मेनी एक्सप्लोरेटरी जर्नीज, और फिर नाम दिया गया चंद्रयान। इस तरह से इस मिशन का नाम पड़ा है चंद्रयान। तो फिर आया चंद्रयान 1, 2 और चंद्रयान 3, जिसने इतिहास लिखा है। तो इस मिशन से, चंद्रयान 3 के मिशन से भी या चंद्रयान 2 के मिशन से भी हमें क्या सीखने को मिलता है, तो आइए हम जानते हैं चंद्रयान 3 हमको क्या सिखाता है। पहला लेसन है वर्क हार्ड एंड बी डेडिकेटेड। हम सबको पता है कि किस तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने कड़ी मेहनत की है, लगातार परिश्रम की है, और लगातार परिश्रम करते हुए इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया है। हम सीखते हैं वर्क हार्ड एंड बी डेडिकेटेड। डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है, अगर डेडिकेशन नहीं है तो आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। तो ये पहला लेसन हम सीखते हैं चंद्रयान 3 से या चंद्रयान मिशन से। फिर दूसरा है डिसाइड योर गोल। आपका गोल डिसाइड करो और उसका पीछा करो। फॉलो योर ड्रीम्स, आपके सपनों के पीछे भागो। दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, कंसंट्रेशन रखना पड़ता है, फोकस रखना पड़ता है, और इसीलिए अब्दुल कलाम जी कहते थे कि आपको सपने ऐसे होने चाहिए, या आपके सपने ऐसे होने चाहिए जो आपको सोने नहीं देते, वो सपने नहीं जो आपको नींद में आते हैं। तो ऐसे सपनों का पीछा करना है तो फोकस रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। इसके बाद क्या लेसन सीखते हैं? इसके बाद लेसन सीखते हैं कि बी इनोवेटिव, नए नए आइडियाज जनरेट करो, नए नया कुछ सीखने की कोशिश करो। इसरो साइंटिस्ट ने ये देखा कि किस तरह से इस मिशन को हम कामयाब बना सकते हैं, तो उन्होंने नया आइडियाज, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ये क्रिएटिव वेज में सोचना शुरू किया होगा, तभी जाके
ये मिशन कामयाब रहा। हम सब जानते हैं कि चंद्रयान 2 सक्सेसफुल नहीं रहा, और जब ये सक्सेसफुल नहीं रहा तो कुछ गलतियां हुई होगी, कुछ मिस्टेक्स हुई होगी। उस मिस्टेक से सीखते हुए चंद्रयान 3 इस तरह से बनाया, सुदृढ़ सुरक्षित बनाया कि हम सक्सेसफुल कल हो गए। तो ये हम सीखते हैं कि अपने मिस्टेक से, अपने गलतियां जो है उससे कुछ सीखो, उसके ऊपर इम्प्रूव करो, और फिर जाके आपको कामयाबी मिलेगी। इसके बाद क्या सीखते हैं हम चंद्रयान 3 से? इसके बाद हम बहुत बड़ा लेसन सीखते हैं जिसकी बहुत जरूरत होती है, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। आपको टीम के साथ काम करना पड़ेगा, उसके लिए कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कभी कभी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, टीम के साथ रहना पड़ता है, उनके साथ सीखना पड़ता है, उनके साथ काम करना पड़ता है, और फिर जाके टीम को सक्सेस हासिल होती है। ये हम सीखते हैं इस मिशन के माध्यम से। फिर दूसरा है क्या? द एक्साइटमेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर करो, नया नया कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो, तभी जाके आप कुछ नया कर पाओगे। फिर ये हम जरूर कहेंगे कि जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी लोग इसरो से जुड़े हुए हैं, वो हमेशा यही तो सोचते होंगे कि क्या नया किया जाए, किस तरह से नए आइडियाज जो जनरेट होती है उसको रियलिटी में लाया जाए, तभी जाके सक्सेस मिलती है। हम आप जो सर्वसामान्य लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये सीखना चाहिए। रोज कुछ ना कुछ नया हम सीख सकते हैं। सवाल करो, आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि आपके क्वेश्चंस ही जनरेट करेंगे नए आइडियाज, और आपको जवाब मिलते जाएंगे। जब सवाल ही नहीं होंगे तो आप उसको ढूंढने की कोशिश ही नहीं। एक सवाल जो है आपकी जिंदगी बदल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर सीवी रमन को एक सवाल आया था कि स्काई क्यों ब्लू है, और उस सवाल का जवाब खोजने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, परिश्रम किए, जिसकी वजह से उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आस्क क्वेश्चंस, ये भी हम सीखते हैं। फिर बाद में आता है, हम कह सकते हैं हैव राइट एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड राइट होना चाहिए। हमने देखा कि लगातार सारे इसरो के जो लोग थे, साइंटिस्ट थे, जो ऑफिसर्स थे, वो हमें बता रहे थे कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी चैलेंजेस क्यों ना आ जाए, हम सक्सेसफुल लैंड करेंगे, और ऐसा ही हुआ। वो था उनका परफेक्ट एटीट्यूड फॉर दिस इम्पॉसिबल मिशन। तो हमारा अगर एटीट्यूड राइट है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो हमें भी सक्सेस मिल सकती है। तो ये थे कुछ लेसन्स जो हम चंद्रयान 3 से सीख सकते हैं। कामयाबी तो मिली है, सक्सेस तो मिली है, लेकिन सक्सेस पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और तभी जाके सक्सेस मिलता है। तो ये कुछ वैल्यूएबल लेसन्स हम सीखने की ज़रूर कोशिश करेंगे, पर्टिकुलरली आज की जो यंग जनरेशन, उनको ज़रूर सीखने को मिलती है। तो आज की बात इतनी ही। हमें आशा है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। जिन्होंने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। तो आप अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। और तो जाते जाते बस इतना ही कहना चाहेंगे कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है हमारा दम, हम भी किसी से कम नहीं है। सब ने भारत का लोहा माना है, जैसे चंद्रयान मिशन हमारा सक्सेसफुल रहा। और एक बात जरूर है, भारत ने ये भी दिखा दिया है कि हमारे लिए स्काई इज नॉट द लिमिट। आप एक्सप्लोर करते जाओ और सक्सेस पाते जाओ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, और इसरो जिंदाबाद।